फाइनल टाइम आ गया अलविदा कहने का। देखिए यार ये सब ग्रेजुएशन से पहले सभी फोटो शूट कर रहे हैं। स्नेहा आप रो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो गाड़ी आ चुकी है, सामान हमारा लोड हो चुका है। भूमि डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर ग्रेजुएशन? नो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बट या नाउ आई इट्स अ वीडियो। तो कुछ कहना चाहोगे ग्रेजुएशन के बारे में? कैसा रहा? कैसा लग रहा है? इमोशनल ये खेत की सुबह रो चुकी है, फिर रोएगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं 6:15। तो आज हमारा लास्ट दिन है, तो आज हमारी क्लास भी 8 बजे की है, तो जल्दी उठ के रेडी होते हैं। शेविंग कट भी मंगवा ली हमने शेव करने के लिए, मेरे पास था नहीं रेज़र, तो समाज फोन पैक है, मुझे पता नहीं है कैसे ले जाऊँगा। समाज फोन कर लिया पैक, ये हमारे भाई साहब का ये सामान इन्होंने पैक कर लिया है। भाई सामान कुछ रह तो नहीं गया ना, देख ले एक बार। तो ब्रेकफास्ट भी हमने रूम पर मंगवा लिया है, तो सामान अपना भी सारा पैक है, अब देख लेते नज़र मार लेते हैं। तो गए जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब। इस रूम को करते हैं अलविदा, निकलते हैं, ब्रेकफास्ट भी होगा, सामान समूह नीचे पहुंचा दिया, यही रह गया। हाँ भाई कैसा लग रहा है? ये थोड़ी देर बाद रो दे, ये रो देगा थोड़ी देर बाद। चलो ये सामान ले लिया है, सभी चेकआउट कर रहे हैं। सर फिर कभी आएंगे तो जरूर मुलाकात होगी। ये तो गले मिल रहे हैं, ये चेकआउट, निकलते हैं। तो सच बताओ तो बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि एक महीना यहाँ पे स्पेंड कर लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। चलो अब जाना तो पड़ेगा ही। चलो अलविदा मौलसरी को। तो पूरी टीम आ रही है, सभी का लास्ट डे है। रूम से कर लिया चेकआउट भाई, हम पहुँच चुके हैं आई फ्लाई ए। तो यहाँ आज अपना लास्ट डे है, तो देयर इज अ ग्रेजुएशन सेरेमनी, आफ्टर देन वी लीव। ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद हम चले जाएंगे अपने अपने सेक्टर में वापस। ये लगेज लेके तो एक आए थे, सामान कितना हो गया, ऊपर से हैवी भी हो गया। तो फिलहाल अंदर पहुँच के लगेज हम यहाँ रखेंगे जब तक रिपोर्ट के लिए नहीं निकलते, यहाँ हमारा बैग सेफ रहेगा। ये रहा हमारा हॉल जहाँ ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। ये सभी फ़ोटोज़ जो है ग्रेजुएशन सेरेमनीज की है। अगर हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी कम्प्लीट हो जाएगी तो हमारी फ़ोटो ऐसे लगेगी यहाँ पर। इज़ द लास्ट डे, तो लास्ट डे कैंटीन में आए भाई। सनील कैन यू से समथिंग अबाउट लास्ट? वांट टू से लाइक इट वाज वन ऑफ द वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड दीस गाइस मेड इट अमेजिंग। रूम में रहना, नए सीखे, सब दोस्त बनाए। और सर तेरे को ही गाली देते हैं, अरे वो क्या कर रहा है? स्टीफन कुछ नहीं बोल रहा है भाई। हां भाई यू गोना मिस यू गाइस, दैट्स इट। आदित्य जाना मत बोलो भाई, सागी भाई रोने लगे। अहमद लाइक द चिकन भाई, अहमद लाइक द चिकन। इंडिगो क्यों रो रहे हो यार, इमोशनल हो गए सारे? ये लड़की नहीं रोती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो नाउ एवरीवन इज ग्रेजुएटेड। तो यहाँ पे हमारी मेमोरीज क्या फाइनली ऑल आर ग्रेजुएटेड। यहाँ पे हमारी हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी। सो यहाँ पे दूसरे बैच का फोटो सेशन हो रहा है, इसके बाद हमारी बारी, हमारा बैच यहाँ पे बैठ गया। सो फाइनली हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो समोसे तो मुझे केक सभी ने खाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, सभी ने खा लिया। तो सभी बहुत खुश है, सभी की अब फ्लाइट से सभी जा रहे हैं। सो सैनिल अपना हेयर स्टाइल ठीक करते हुए, वाओ नाइस कॉम। तो सभी इमोशनल हो चुके हैं अभी ना, सभी अपने सेक्टर में वापस जाएंगे, कोई दिल्ली, कोई पुणे, कोई चंडीगढ़, कोई कहीं से।
तो यहाँ पे भाई इमोशनल हो गए हैं, एक गले ऐसे मिल रहे हैं। Why are you crying? Don't cry. Guys, भाई वो बात सच होगी, सर ने बोले थे कि लड़के सभी रोएंगे, ये सभी लड़के रो रहे हैं यहाँ पे, ये भी रो रही है। भाई लड़के नहीं रोते, लड़के रो रहे हैं, आज रो रहे हैं भाई, वो भी रो रही है, इतना दुख। तो यहाँ से सभी की जर्नी स्टार्ट होती है, तो सभी अपने स्टेशन पे जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है होता है होता है। कोमल तेरी वजह से रो रही है ये। सो मिस्टर शेख, अब हम कब मिलेंगे? अगर मन बना लो तो बॉम्बे दूर। क्या बात है विशाखा, अगर मन बना लो तो देहरादून दूर नहीं है महेंद्र जी। अरे ये तो देहरादून जा रही है, अरे ये तो देहरादून जा रही है। चलो भाई, से गुड बाय टू ऑल। बैग भी हो गया रेडी जी, बस निकल रहे हैं। आई फ्लाई में लास्ट दिन था तो गाड़ी आ चुकी है लेने, तो ये तीस दिन काफ़ी बेहतरीन भी थे। आज जा रहे सेक्टर अपने वापस चंडीगढ़, तो बड़ा बैग रखा हो यार, ये तो मैं आगे ही पकड़ लेता ना। चलो जी, गाड़ी आ चुकी है अपनी, इट्स हार्ड टू से गुड बाय। तो जी निकल चुके हैं आई फ्लाई से, हमने जा रहे एयरपोर्ट की तरफ। तो ये भाई जी आए हैं हमें छोड़ने के लिए, एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे। आधा घंटा लगेगा एयरपोर्ट, ट्रैफिक नहीं रहेगा तो। ठीक है चलो कोई नहीं, 9 बजे की फ्लाइट है। तुम पहले भी खड़े थे क्या यहाँ आके पहले? हाँ, एक घंटे से खड़ा हूँ, तभी तो मैं वापस जा रहा था गाड़ी धोने के लिए। अच्छा, गाड़ी धुलवाने जा रहे थे? धोने जा रहा था। अच्छा, धोने जा रहा था। अगर आप धोने लग जाते फिर फोन करता तो फिर मुश्किल होती ना, 10 मिनट के पहले आता नहीं। हाँ, सब भेजना पड़ता है क्या? तो हम एंटर हो चुके हैं एयरपोर्ट। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं टर्मिनल 2, बस अब यहाँ से टर्मिनल 2 5 मिनट का डिस्टेंस है, बस ज़्यादा नहीं है। पहुंच चुके हैं जी टी टू गाइस, पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2। चल ठीक है, थैंक यू जी, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। चलो पहुंच चुके हैं टर्मिनल, करते हैं एंट्री। स्टाफ गेट, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, बाकी पैसेंजर्स के लिए है। तो हमने एंटर कर लिया है अंदर एयरपोर्ट के, अब हम चेक इन करवाएंगे। बैग एंड ड्रॉप की तो काफ़ी लाइन लग रही है, देखते हैं कहाँ से करवाते। तो पहुँच चुके हैं वॉशरूम में, बैग बुक रख दिया, तो कपड़े चेंज कर लेते फिलहाल। चलो कपड़े तो कर लिए चेंज, अब करवाते हैं चेक इन। ये बैग दे रहे हैं चेक इन में, तो कपड़े तो कर लिए चेंज हमने, अब बैग देना है चेक इन में। ये बैग चेक इन में देके फ्री हो जाते हैं। इंडिगो का चेक इन काउंटर ए और बी और ई और एफ पे चल रहा है, पर यहाँ पे एक स्टाफ बैठा हुआ है काउंटर डी पे, वहाँ से करवाते हैं चेक इन। तो गाइस यू कैन सी यहाँ पर कितना रश है बैग ड्रॉपेज के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर यहीं पे बैग ड्रॉप कर दिया जहाँ पे रश बहुत कम है। तो बाकी अब हमें जाना है, बोर्डिंग पास मिल चुका है, हमें जाना है बोर्डिंग गेट्स के लिए सिक्योरिटी क्रॉस करके। नाउ वी आर गोइंग फॉर सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी क्रॉस करके हम बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। भाई पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। हाँ स्टीफन, तो ये टी टू की शॉप्स, टर्मिनल 2 पे ही अंदर एयरपोर्ट पे ये शॉप से। तो अपनी फ़्लाइट तो 9:20 की है, तो अभी तो टाइम बहुत बचा, अभी 5 बजे है, तो फिलहाल घूम लेते एयरपोर्ट। छोटी बच्ची गाना गा रही है। इन्फॉर्मेशन डेस्क है यहाँ से, फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा गेट है, सारे गेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। इसके पीछे सारे फूड कोर्ट, तो नीचे चलते हैं नीचे के गेट से। अभी गेट नंबर हमारा 25 है अभी तो। भाई लोग बॉम्बे की इनकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये लोग जा रहे हैं बॉम्बे।
इनका बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। नहीं नहीं नहीं, बॉम्बे बोर्डिंग स्टार्ट है इसकी। जयपुर की अभी टाइम है 9:20 का फ्लाइट है। चलो भाई लोग मिलते हैं, ठीक है, लग जाओ लाइन में। तो बॉम्बे की बोर्डिंग होगी कंप्लीट, फ़ोन की अपनी बैटरी लो हो गई थी तो हमने फ़ोन चार्ज लगा लिया। तो मेरी फ़्लाइट में तो टाइम है तो इन्हें इनके गेट पे छोड़ा, तो इनका गेट नंबर क्या है, 20 है। अरे गेट पे छोड़ के आता हूँ, 20 नंबर गेट। भाई जयपुर वालों की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चल मेरा भाई, चल मिलता है, ठीक है, हाँ निकल जाना साइड में से, ध्यान रखना। चल ठीक है, ठीक है, चल मेरा भाई भाई मिलते हैं। तो जयपुर वाला भी गया, आप निकलते हैं हम अपने गेट पे। हमारा जो गेट है गेट नंबर 34 है, यहाँ से है 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो टाइम तो हो गया, चलते हैं गेट पे ही। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है बस थोड़ी देर में। तो बोर्डिंग गेट से एंटर हो चुके हैं, तो आ चुके हैं बे पर। ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट, तो दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस हाफ एन आवर में कवर हो रहा है। अगर हम बाय रोड जाते हैं तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, पर बाय एयर आधे घंटे में पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो नाउ वी आर रेडी टू बोर्ड, यहाँ पे बोर्डिंग पास चेक करवाना है सीधा एयरक्राफ्ट के अंदर। तो हमारी सीट 28 अल्फा है, यानी कि आगे से सही नहीं रहेगा, पीछे से नज़दीक रहेगा, तो हम पीछे से चलते हैं। तो चलो जी चलते हैं। फिलहाल फ्रेंड को कॉल किया है, वो लेके जाएगा एयरपोर्ट से। हाँ पहुंच चुके हैं जी चंडीगढ़ एयरपोर्ट, काफ़ी सुनसान सा लग रहा है इस टाइम एयरपोर्ट। तो हम पहुंच चुके हैं जी चंडीगढ़ अराइवल, यहाँ से हमें अपने लगेज मिलेंगे जो हमने चेक इन में दिए थे। लगेज लेते हैं निकलते हैं, खुशी भी है घर जाने की। तो बेल्ट नंबर 4 पे हमारे बैग आ रहे हैं, हमने लगेज ले लिया है, तो अब करते हैं एग्ज़िट। तो भाई चंडीगढ़ पहुंच के तो खुशी तो होगी भाई, घर पहुंच गए हैं। चलो अब बाहर यार दोस्त वेट करते हैं, कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, काफ़ी देर से वेट करे, परेशान हो गए वो भी। और ये रहा चंडीगढ़ का एग्ज़िट फ्रॉम अराइवल। अरे यार चंडीगढ़ में तो सही में ठंड है यहाँ पर भी। अच्छा वो जैकेट पहनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में मुझे इतनी ठंड लग रही थी, बिना जैकेट के तो हालत ख़राब हो गई थी, पर चंडीगढ़ में मौसम ठंडा है यहाँ पर।